साहब, जो हम सुनते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को होती है, आज हम सभी अभिव्यक्ति जो हमारी है उसके प्रति स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग उनके विचारों की क्या प्रासंगिकता रही है? निश्चित तौर पे स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अंबेडकर साहब के लिए एक जरूरी चीज़ थी जिस पे उन्होंने ध्यान दिया, और स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पांच प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की प्रस्तावना में। और बाद में जब मूल अधिकार, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मूल अधिकारों में भी आके स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 का प्रावधान किया। अनुच्छेद 19 में उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता देते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) में ये कहते हैं कि वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र सभी नागरिकों को प्राप्त होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी जरूरी थी उस समय समाज में, क्योंकि जो अधिकार नहीं रखता है, जिसके पास सामाजिक स्तर पिछड़ा हुआ है, उसको बोलने का भी अधिकार नहीं है। यदि उसको कोई तकलीफ है, उसको कोई परेशानी है, तो वो बोलेगा नहीं, तो लोग जानेंगे कैसे, और जब जानेंगे नहीं तो उसका समाधान कैसे होगा। इसको ध्यान में रखते हुए बोलने की स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जोड़ते हुए उन्होंने अनुच्छेद 19(1)(a) का प्रावधान किया, जो आज की तारीख में पूरे भारत में सदैव चर्चित रहता है। और इस एक अनुच्छेद में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, बहुत सारे अधिकार एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे बोलने का अधिकार है, तो हमें चुप रहने का भी अधिकार है। बिल्कुल यदि बोलने के अधिकार को प्रयोग में लाया जाए तो चुप रहने का अधिकार पैदा होता है। इसी अधिकार से प्रेस की स्वतंत्रता पैदा हो सकती है। इसी बोलने और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार से ही विज्ञापन का अधिकार पैदा होता है। इसी से आपके प्रदर्शन का अधिकार पैदा होता है। इसी से आपके विरोध करने का अधिकार पैदा होता है। और बहुत बाद में भारत में, अभी पिछले कुछ सालों में, लोगों ने एक मांग उठाई कि बोलने के लिए हमें जानना जरूरी है, और बोलने के अधिकार में ही छुपा है जानने का अधिकार। इसी से पैदा हुआ सूचना का अधिकार, और सूचना के अधिकार को एक कानूनी रूप देकर हमें आज प्राप्त किया गया, और हम RTI के द्वारा कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इतने सारे अधिकार पैदा होते रहे 19(1)(a) में दिए गए बोलने के और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कश्मीर के मामले को ध्यान में रखते हुए एक नया अधिकार इस अभिव्यक्ति के अधिकार में जोड़ा, और जिसको कहेंगे इंटरनेट का अधिकार। और उन्होंने कहा कि इंटरनेट का अधिकार भी आज की तारीख में हर नागरिक के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम सोशल मीडिया पर लिखेंगे, हम किसी से बात कर सकेंगे, अपने विचारों को प्रकट कर सकेंगे। इसलिए अगर जो हम 2020 में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो अंबेडकर साहब संविधान में इतनी मजबूती से रखते हैं, क्या आज वह प्रासंगिक है? तो जी हाँ, पूरी तरह प्रासंगिक है कि 2020 में हमें इंटरनेट का अधिकार इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से प्राप्त होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमें प्राप्त कब हुआ इंटरनेट का अधिकार? जो अभी आपने बताया है, नया अधिकार है। इंटरनेट का अधिकार अभी हाल ही में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर राज्य के नागरिकों को यह अधिकार नहीं मिल रहा था, उनको ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय में जब सुनवाई हुई तो मांग ये थी जनहित याचिका में कि इसे अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के साथ जोड़ा जाए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में से 19(1)(a) में जोड़ा और कहा कि इंटरनेट की आज़ादी, इंटरनेट को प्रयोग करने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल होगी, और यह अधिकार अभी हमें हाल ही 2 महीनों में प्राप्त हुआ है। यह 2020 का हमारा उपहार है जो उच्चतम न्यायालय बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आधार पर हम नागरिकों को प्रदान करता है। बिल्कुल।